सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर फ्रेश वीडियो। दोस्तों कैसे हो? तो आशा करता हूं सब बढ़िया ही होंगे। तो भाई जैसे तुम टाइटल पढ़ ही लिया, तुम्हारा भाई ने मंगवा लिया गो प्रो हीरो 9 फाइनली, जो कि है मेरे हाथ में। तो इस वीडियो में इस कैमरे के बारे में बात करेंगे कम्प्लीटली, एक एक इसका फीचर चेक करेंगे, इन हैंड फील्ड कैसे है, बॉक्स के अंदर क्या मिलता है आपको, ये सारी चीज़ें चेक करने वाले हैं इसमें हम। और इसके साथ साथ मैं सैंपल शॉट्स भी लगाने वाला हूँ। एक्चुअली क्या सीन है, मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना लिया है मैं अपने कैमरे से, ठीक है। सेटिंग्स वगैरह जितने भी होती स्टैंडर्ड सेटिंग वो सब मैंने सेट कर दी है। तो इसमें आपको एक सेटिंग भी बताने वाला हूँ मैं, जिसकी जैसे नॉर्मल स्टैंडर्ड जो सेटिंग होती है उसमें अगर आप वीडियो बनाओगे तो इतनी अच्छी मे भी शायद ना बने, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी खराब रहा है। तो मैंने थोड़ा सा उसे कस्टमाइज सेटिंग करी है उसमें, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, तो बेहतरीन वीडियो बनेगी मांगे चलो आप। सो फटाफट से खोलते हैं दोस्तों। मैंने अमेजन से मंगवाया है ये, कॉस्टिंग वगैरह आपको पता ही है, वो मेरे को बताने की जरूरत है नहीं। वैसे अगर चाहिए वगैरह हो तो डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा आपको, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा दोस्तों। उसकी कुछ पैकेजिंग ऐसे मिल जाती है सामने, पीछे वारंटी और साइड में कुछ फीचर्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो अभी मैं वैसे ये थोड़ा अलग सेटअप है वाला, मैंने रेगुलेटर फोन लगाया हुआ है तो मुझे पता नहीं है कितना फ्रेम कवर कर रहा होगा इस समय। तो ये है कुछ दोस्तों सीन, ऐसा नॉर्मल सा बॉक्स है, इसे खोल लेते हैं। मैंने ऑलरेडी खोल रखा है, मैंने बताया था आपको ये काफी हार्ड शेल है, बहुत सही चीज, ठीक है। इसके अंदर कैमरा मिलता है हमारा, इसे खोल लेते हैं। चेन है जेब बढ़िया वाली। अब देखो इसके अंदर आपको दो तीन चार चीजें मिलती हैं। कैमरा तो मैंने ऑलरेडी बाहर निकाल लिया है, इसके अंदर आपको ज्यादा चीजें नहीं मिलती, बस एक कैमरा मिलता है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे अभी। ये है आपका माउंट, ये एक तरीके से क्या है, जो आप हेलमेट में लगाते हो चेन माउंट, उसमें क्लिप हो जाता है, ठीक है। एक ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसमें आपको मिल जाता है कि स्टिकर वाला डुअल साइड टेप जो लगी होती है, डबल साइड टेप वाला ये मिल जाता है आपको। एंड इसका वो भी तो था यार, दिस वन, एक ये स्क्रू मिल जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है जो है माउंट करने काम आती है, आपको माउंट कर सकते हो आप इसमें, देखो ऐसे करके। तो कैमरा सिंपल आपको माउंट हो जाएगा इसमें। आप सोच रहे हो कि भाई माउंट तो हो जाएगा बट कैमरे के नीचे भी तो कुछ होना चाहिए माउंट करने के लिए। बट अच्छी चीज क्या है, GoPro Hero 9 में ऑलरेडी दे रखा होता है, देखो ये है माउंट नीचे, इसे नीचे कर लो, फ्लैप है इसके, एक तरीके से फ्लैप्स हैं ये, कैमरे का ये पार्ट है। मैंने इनबिल्ट कुछ नहीं लगाया है इसमें, ठीक है। अभी जो फोम लगा इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा रुक जाओ। तो ये सिंपल इसे ऐसे आप खोल लोगे और इसे आराम से आप माउंट कर सकते हो, कोई शो वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यार दोस्तों कुछ ऐसा है कैमरा, देख सकते हो आप, इन हैंड फील्ड बहुत ही बेहतरीन है। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा है हीरो 8 से, थोड़ा सा बड़ा है ये, बट अल्टीमेट फील्ड जिसे आप देख सकते हो भाई, बेहतरीन, ठीक है। और मैंने फोम ये इस वजह से लगाया हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं ऑलरेडी ब्लॉग कर चुका हूँ इससे, ठीक है। मैंने काफी सारे टेस्ट वगैरह करा, उसके बाद मैं निष्कर्ष पर निकला हूँ। अभी क्या सीन है, मैंने अभी इनबिल्ट बाइक मैंने अभी से खरीदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि काफी कॉस्टली आता है, मीडियम मोड खरीदना पड़ेगा पहले मेरे उसके लिए, उसके बाद मेरे को माइक खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से मैंने क्या करा है, इसके इनबिल्ट माइक से ही जो है वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। तो सीन कुछ ऐसा है भाई, इसमें एक ऑप्शन मिल जाता है विंडो डिडक्शन का, उससे भी काफी हेल्प मिल जाती है। बट अगर माइक्स के ऊपर अगर आप ये लगा दो, ठीक है, फॉर्म, ये सिंपल कुछ नहीं है, फॉर्म जो कपड़े के अंदर फॉर्म निकलती है, या आप लगा दोगे तो भाई काफी ही बेहतरीन परफॉर्मेंस आती है, बिल्कुल भी विंड नॉइज नहीं आती और अल्टीमेट आवाज आती है, ठीक है। मोटो व्लॉगिंग करते टाइम भी आपको एक्सटर्नल माइक की जरूरत पड़ने नहीं वाली बिल्कुल भी। तो इसे ऑन कर लेते हैं, ये है पावर ऑन बटन, इसे प्रेस करोगे और आपका सामने से GoPro ऑन हो जाएगा। ये फ्रंट स्क्रीन दोस्तों ये है इसकी, ठीक है। ये बैक स्क्रीन बहुत ही बेहतरीन जैसे कहते हैं, फ्रंट स्क्रीन में आप देख पा रहे होगे कैमरा दिख रहा है। एंड अब इसके कुछ बात कर लेते हैं फीचर के बारे में। तो इसमें जो यार देखो मोड, अब देखो कैसी ना दोस्तों, मोड्स उसमें काफ़ी सारे हैं, जैसे 1080 60 FPS, 30 FPS, 24 FPS, 4K, 2.7K, 5K। बट मैं आपको कुछ बेस्ट रेजोल्यूशन बताने वाला हूँ जो कि आप नॉर्मल एक ब्लॉगर यूज़ करता है, क्योंकि यार देखो सिंपल सी बात है, दिमाग लगाओ, 2.7K 4K में अगर आप रिकॉर्ड करोगे ना तो एक मिनट की वीडियो भी आपकी बहुत जीवे में बन जाती है। उसका उसको एडिटिंग करना, रेंडरिंग करना, अपलोड करना तो बहुत हेक्टिक हो जाता है। तो एक नॉर्मल जो ब्लॉगर होता है भाई वो इतने रेजोल्यूशन मेरे हिसाब से तो नहीं करता, और मैं भी नहीं करता। तो 1080p का मैं आपको सारा सेटिंग दिखाता हूँ, क्या क्या सेटिंग्स है इसमें। कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाता है आपको इसमें, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे हम, थोड़ा सा टचेस का इतना रिस्पॉन्सिव नहीं है जितना मैं सोच रहा था। इनफैक्ट मैंने कुणाल ने अभी जो लिया है, मेरा फ्रेंड जो है उसने लिया है DJI Osmo का, तो उसका इंटरफेस मुझे काफ़ी बेहतरीन लगा, मतलब काफ़ी स्मूथ है। इसका इतना स्मूथ नहीं है, पता नहीं क्यों, इतने पैसे ले लिए उसके बाद में स्मूथ नहीं है, कोई बात नहीं चलो। तो स्टैंडर्ड में यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है, 1080p 60 FPS सुपर व्यू पे सेट करेंगे हम, काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं सुपर व्यू पे करना है अगर आपको मोटो व्लॉगिंग करते हो तो। हाइपर स्मूथ ऑफ करना है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगा अभी मैं, आगे चलते हैं। हाइपर स्मूथ में देखो तीन चार ऑप्शन मिल जाते हैं वैसे, ऑफ, ऑन और ये बूस्ट।
क्या सीन है, अगर आप बूस्ट पे रखते हो ना इसे, तो थोड़ा सा आपकी जो है नॉर्मल वीडियो जो है थोड़ी सी क्रॉप हो जाती है। सैंपल शॉट्स में लगा दूंगा एंड ऑफ द वीडियो, इन सब के सैंपल शॉट्स आपको मिलेंगे। हाइपर स्मूथ का भी मिलेगा, ठीक है, और एक दो फीचर और है 1080p 60fps, इन सब के सैंपल शॉट मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब चीज़ समझ में आ जाएंगे इस वीडियो में, ठीक है। बूस्ट हो गया आपका नॉर्मल में, ऑन में इसमें देखो क्या लिखा लिखा भी हुआ है, क्रॉप्स क्रॉप वाइड लेंस 10%, जो नॉर्मल वीडियो होगी उसको 10% ही क्रॉप कर देगा, और इसमें काफ़ी ज़्यादा कर देता है, बट अच्छी वीडियो बनती है। अभी आप देखना सैंपल शॉट्स, ये शेड्यूलिंग का है, अगर आप शेड्यूल कर सकते हो। हिंड साइड ये एक फीचर है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसे आप ऑन कर दोगे ना अगर, तो क्या सीन होता है, आपका कैमरा हर समय एक तरीके से लेंस आपका हर समय ऑन ही रहेगा। इसमें क्या होगा, जब आप बटन दबाओगे कैप्चर वाला, तो बटन दबाने 15 सेकंड पहले का भी कैप्चर करता है, जो कि सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, बट भाई बैटरी ऐसे चूसता है ना, ये खत्म कर देगा कैमरा। तो बेटर है कि इसे ऑफ ही रखो, ऐसा कोई हमें नीड पड़ने नहीं वाली है इसकी, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं हम, बिटरेट स्टैंडर्ड रखा हुआ है और शटर ऑटो, ये सब चीज़ें ज़्यादा छीननी है। ईवी कॉम्प रखो माइनस में, ठीक है, ये माइनस में रखना है आपको, -1। वाइड बैलेंस में आपका नॉर्मल जो होगा वो ऑटो में होगा आई थिंक, इसमें करना है 5500K में रखो इसे, ISO 100, ISO max 1600, ये कुछ सेटिंग्स हैं। और देखो अब यहाँ शार्पनेस में क्या बाई डिफॉल्ट आती है हाई पे, ये हाई पे रहती है, बट हमें रखनी है मीडियम में, ठीक है। ज़्यादा शार्पनेस हमें रखनी है क्योंकि हमें थोड़ा बहुत पोस्ट प्रोडक्शन भी करना है, एडिटिंग वगैरह भी करनी है, तो उससे काफ़ी ईजी हो जाता है। और ये वाला ऑप्शन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो यार पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये, इसमें कलर के दो ऑप्शन मिल जाते हैं, गोप्रो रिक फ्लैट, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंसेस के सैंपल शॉट्स में डालने वाला हूँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। गोप्रो वाले में क्या होता है, जो ये वीडियो बनाता है ना गोप्रो, अपने आप ही थोड़ा सा उसे एक सेचुरेशन बढ़ा देगा, उसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देगा, और अपने आप ही थोड़ा सा एनहेंस कर देता है कलर्स वगैरह, ठीक है। और फ्लैट में क्या होता है कि एकदम फ्लैट वीडियो बनती है, डल थोड़े हल्के से डल टाइप कलर होते हैं, बट उसे आप पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ा कलर ग्रेडिंग वगैरह करके अच्छा कर सकते हो। सो इसे मैं अभी फ्लैट पर रखने वाला हूँ, इसके मैं दोनों शॉट डालने वाला हूँ कि गोप्रो में कैसी बन रही है, फ्लैट में कैसी बन रही है। रॉ ऑडियो को इसको ऑफ रखना है, क्योंकि ऑन करके मैंने करा था तो मेरा बहुत ही बेकार आउटपुट आ रहा था। हाँ, ये विंड, ये वाला ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप एक्सटर्नल माइक यूज़ नहीं करने वाले हो, इनबिल्ट माइक से रिकॉर्ड करोगे। इसमें क्या है, देखो तीन ऑप्शन मिलते हैं, ऑटो कि मतलब ऑटो हम विंड रोटेशन ऑटो करना है, इसमें इसका मतलब क्या है कि अगर इसे लगेगा कि भाई विंड आ रही है तो ये अपना आप स्विच करता रहेगा, दो माइक्स, इसमें दो माइक्स लगे हुए हैं, एक ऊपर एक सामने, तो स्विच करता रहेगा कि जब हवा आए तो विंड की नॉइज़ रिड्यूस हो जाए और नॉर्मल में नॉर्मल स्पीकर चले। इसमें क्या है कि हमें कंप्लीट जो है विंड नॉइज़ रिड्यूस करनी है, और इसमें ऑफ ही कर देना है कि विंड नॉइज़ आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, विंड नॉइज़ आएगी आएगी, तो ऑफ तो कभी बिल्कुल नहीं करना है आपको, हमेशा इस पर ऑटो पर रखो इसे, ठीक है। ऑटो स्विचेबल होता रहेगा दोनों माइक्स के बीच में। वो मीडियम मोड लगाते हो तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, खैर नेक्स्ट किसी वीडियो में, इसकी जरूरत नहीं है अभी, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा मैं। तो ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, बाकी खत्म। तो दोस्तों यही कुछ इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, बाकी इसमें देखो सामने यहाँ पे जो फ्रंट स्क्रीन, जैसे कि आपको पता है फ्रंट स्क्रीन दे रखी है इसमें, तो फ्रंट स्क्रीन के कुछ ये ऑप्शन हैं कि आप इसे ऑफ ऑफ कर सकते हो, फ्रंट स्क्रीन में ये वाला ऑप्शन रखा हुआ है, तो मैं ये वाले पर रखता हूँ अभी। तो एक सेकंड दिखाता हूँ आपको, ये ओरिएंटेशन लॉक अनलॉक का फीचर है, जैसे मतलब होता है ना रोटेशन, जो हमारे फोन में होता है रोटेशन ऑन ऑफ का, वही वाला सीन सीन है। तो ये देखो ये फ्रंट स्क्रीन अभी मैंने ऑन करी हुई है, तो ऐसा कुछ सीन है, इसे ऑफ भी कर सकते हो अगर आपको। देखो अब स्टार्टिंग में क्या था, जब ये कैमरा आया था कल ही आया, कल परसों आया जहाँ तक है, तो भाई बैटरी ऐसे जा रही थी, मतलब क्या ही बताऊँ तुम्हें, मैं देखते ही देखते कैमरा चला चलाते 5-10% बैटरी गिर जा रही थी। तो बैटरी अच्छा बैकअप देने के लिए भी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे आपको एक फ्रंट स्क्रीन ऑफ कर दो उसका, ठीक है, बीप साउंड को ऑफ कर दो, और एक होता है इसमें वाईफाई का ऑप्शन, देखो दिखाता हूँ आपको ये वाला, इसमें साइड में स्क्रॉल करोगे कनेक्टिविटी वायरलेस कनेक्शंस, इसे रखना है ऑफ। ये ऑन इस वजह से रखना होता है, जैसे क्या है इसमें फोन की एक ऐप है क्विक करके, तो उससे आप कैमरे को सिंक कर सकते हो, मीडिया वगैरह देख सकते हो रियल टाइम में, ठीक है, ये सब चीज़ देख सकते हो। अगर इसका यूज़ नहीं है तो इसे ऑफ रखो, सबसे ज़्यादा बैटरी यूसेज यही लेता है, तो इसे ऑफ कर दिया। इन सब चीज़ों को करने के बाद भाई बैटरी बैकअप अल्टीमेट हो चुका है मेरा, ठीक है। अब यहाँ पे आप शॉर्टकट्स खुद से लगा सकते हो, सारे शॉर्टकट ऐड कर रखे हैं मैंने। या दोस्तों आई थिंक यही सारी चीज़ें हैं इसमें, बाकी इसका चार्जिंग का देखो, और ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन तो मैं बताना भूल गया आपको, ये वाला ऑप्शन जो है यह है क्विक कैप्चर, इसे रखना हमेशा ऑन। क्विक कैप्चर का मतलब यही है कि सिंपल है, जैसे आपका कैमरा ऑफ है, आपको कुछ लगा कि हाँ भाई रिकॉर्ड करना है, आपने बटन लगाया सिंपल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी, बटन दबाया रिकॉर्डिंग ऑफ कैमरा ऑफ, तो ये बहुत ही अल्टीमेट फीचर है, इसे ऑन ही रखना है मान के चलो। और ये जो है भाई एक तरीके से वॉइस कंट्रोल है, जैसे वॉइस कमांड दे सकता हूँ मैं, से ये कैप्चर वगैरह काफ़ी सारे कमांड्स हैं, वो इतना मैंने यूज़ नहीं करा, देख लेना अगर आपको यूज़ है तो आप उसे देख सकते हो। बाकी बीप साउंड ऑन ऑफ कर सकते हो यहाँ पे, तो ये सारे कुछ नॉर्मल नॉर्मल ऑप्शन है दोस्तों। बाकी अब बात कर लेते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अगर बात करें इसके लेंस की, तो लेंस भाई इसका आप खुल भी सकता है, खोल के नया लेंस भी लगा सकते हो, मतलब इसका जैसे GoPro Hero 8 में ये प्रॉब्लम थी, कस्टमर की प्रॉब्लम आती है अगर हल्का सा स्क्रैच वगैरह आ गया,
तो आप पूरा मतलब पूरा कैमरा रिप्लेस होता था आपका, ऐसा नहीं कि लेंस वाला पार्ट रिप्लेस हो रहा है, इसमें क्या है कि लेंस खुल जाता है, ये एक अलग यूनिट है, कैमरा एक अलग यूनिट है, तो आप अलग टाइप के लेंस भी आते हैं गोप्रो के, वो भी आप लगा सकते हो इसमें। एंड चार्जिंग वगैरह सिंपल ये सीन है, यहाँ से खुल जाता है साइड का फ्लैप, ये बैटरी निकल जाती है यहाँ से, ये चार्जिंग का सॉकेट ये दे रखा है इसमें, यहाँ पे यहाँ चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पे एसडी कार्ड लग जाता है, एसडी कार्ड हमें लगा नहीं रखा है। 2 I think 258 GB के अराउंड आई थिंक ये कंपेटेबल है। डोर को थोड़ा लॉक करने में थोड़ी दिक्कत होती है, टाइट है भी काफ़ी, और वाटरप्रूफ तो है ही कैमरा, जैसे कि आपको पता ही हो ऑब्वियसली। आई थिंक शायद 8 वाला, आई थिंक 8 नहीं है वाटरप्रूफ, 9 वाला आई थिंक वाटरप्रूफ है। सो या गाइस, मेरे एंड से तो ये सब था कैमरा का, मैंने आपको पूरा दिखाई दिया है सारा कंप्लीट। टाइम इसका आप शॉर्ट्स देखने का दोस्तों, फिर शॉर्ट्स देखो आप, मैं 3 मोड में इसके शॉर्ट में कैप्चर करने वाला हूँ, 1080p 60fps, जिसमें कि मैं कलर करने वाला हूँ फ्लैट, ठीक है, और फिर मैं कलर कर दूंगा गोप्रो वाले कलर्स कर दूंगा उसमें, और फिर मैं जो मैंने आपको बताया था हाइपर स्मूथ स्टेबलाइजेशन ऑन कर दूंगा उसकी, मैं बूस्ट कर दूंगा, तो उसमें आप देखना है कि आपका जो वीडियो कितनी क्रॉप हो रही है कितनी नहीं हो रही, ठीक है। सो हम मिलते हैं सीधा बाहर। तो भाई ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है 1080p 60fps में, और जो सा कलर करेक्शन है वो भाई गोप्रो मोड पर लगा हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 2 कलर करेक्शन आते हैं इसमें, एक फ्लैट मोड और एक गोप्रो वाला। सामने पुलिस वाले पहले यहाँ से निकलते हैं, उसके बाद देखते हैं जैसा पुलिस वाले इतने क्यों हैं भाई, पुलिस वाले बहुत हैं, क्या बात है, संडे का दिन है तो कुछ दोस्तों ऐसी क्वालिटी आ रही है आप देख सकते हो। और मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं जितना भी टेस्ट करूँगा सारे 1080p 60fps में ही करने वाला हूँ मैं, क्योंकि वो काफ़ी स्टैंडर्ड एक तरीके से रेजोल्यूशन है, एडिटिंग वगैरह में काफ़ी ईजी पड़ता है और कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं 2.7K 4K में करूँ, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो या फिर कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। बट ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता दोस्तों क्वालिटी में, ठीक है, क्वालिटी वाइज सब कुछ सेम रहती है चीज़ें, बस ये है कि रेजोल्यूशन कम ज़्यादा वाला फील होता है। जो नेक्स्ट शॉट होने वाला है दोस्तों उसमें करूँगा मैं 1080p 60fps, और कलर मोड रहेगा हमारा फ्लैट, ठीक है, तो आप बताना आपको कैसा फील आ रहा है। तो अब जो आप देख रहे हो भाइयों 1080p 60fps कलर मोड है फ्लैट इसमें, ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा सा ना आपको जो वीडियो है काफ़ी थोड़ी डल टाइप से लग रही होगी। इसमें क्या सीन होता है ना यार दोस्तों, गोप्रो वाले फीचर में क्या होता है, गोप्रो अपने तरफ से ही वीडियो को अपना आप एडिट कर देता है और थोड़ा सा उसका सेचुरेशन वगैरह बढ़ा देता है, कॉन्ट्रास्ट वगैरह बढ़ा देता है, और फ्लैट मोड में क्या होता है एकदम रॉ वीडियो होती है, तो इसमें आपको पोस्ट प्रोडक्शन में मतलब आफ्टर एडिटिंग वगैरह करने में आप उससे ठीक कर सकते हो। तो आप देख लो अभी रॉ वीडियो है ये, मैंने कुछ भी एडिटिंग वगैरह नहीं करी है इसमें, आप कर सकते हो तो और अच्छी बन जाती है ये। अलग अलग यार देखो एनवायरनमेंट कंडीशन में अलग अलग यूसेज होता है, देख सकते हो ऐसा कुछ सीन है सामने भाई, ब्यूटीफुल वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मैं इसी वाले रोड के अराउंड ही घूम रहा हूँ। और अब मैं नेक्स्ट जो आपको दिखाने वाला हूँ ना क्लिप, पहले आप इसे आप ढंग से देख लो अच्छे से, और मैं मोटो ब्लॉगिंग वाले एंगल में ही दिखा रहा हूँ मोस्टली, क्योंकि मुझे पता है लोग भाई गोप्रो इसी वजह से लेते हैं, एक्शन कैमरा यूज़ करते हैं भाई मोटो ब्लॉगिंग के लिए, ठीक है, इस वजह से मैं इस वाले एंगल में दिखा रहा हूँ, मैं चाहूँ तो ब्लॉक करते हुए भी दिखा सकता हूँ। और ऑडियो टेस्ट भी तो दोस्तों आप चेक कर सकते हो, क्योंकि अभी जो है ना इसका मैं इनबिल्ट माइक से ही ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, एक्सटर्नल माइक अभी कोई नहीं लगाया हुआ है, तो आप देख लो ब्यूटीफुल भाई साहब, क्या लगता है यार ये। अभी नेक्स्ट शॉट जो लूँगा ना मैं वो लूँगा, इसमें एक ऑप्शन है हाइपर स्मूथ वाला, हाइपर स्मूथ वाला एक ऑप्शन है दोस्तों, तो उसे मैं ऑन करूँगा, और उसमें डिफरेंस थोड़ा सा आपको ये देखने को मिलेगा, मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, वीडियो थोड़ी सी क्रॉप हो जाती है और एकदम स्मूथ हो जाती है वीडियो, ठीक है। तो अगर मैं मेरे से अगर पूछो तो मेरे हिसाब से तो रिकमेंडेड ये है कि उसे ऑफ ही रखो, जब आप उसे ब्लॉक करोगे हाथ में रख के कैमरे को तब आप उसे ऑन कर सकते हो, क्योंकि क्या होता है थोड़ा सा एंगल कम हो जाएगा आपको, बाइक को कम कैप्चर करेगा वो, तो उसे ऑन करके दिखा देता हूँ कैसा फील आता है। तो नेक्स्ट शॉट अब उसी का होने वाला है। तो दोस्तों ये वाले क्लिप जो आप देख रहे हो ये हो रही है हाइपर स्मूथ ऑन में, हाइपर स्मूथ ऑन कर रहा है, मतलब हाइपर स्मूथ में 2 ऑप्शन आते हैं, मैंने आपको दिखाया था, एक नॉर्मल है और एक है बूस्ट मोड, तो बूस्ट कर रखा है मैंने इस समय हाइपर स्मूथ, जो कि एकदम स्मूथ ही है। देखो भाई मैं हेड सर हिला रहा हूँ, मुझे लग रहा है क्लिप पे ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा होगा, ठीक है, और गोप्रो कलर सेचुरेशन है गोप्रो वाला ही, तो थोड़ा सा अच्छी फुटेज आ रही है, क्योंकि मैं गोप्रो में ज़्यादातर शूट करता हूँ, मैं नॉर्मल फ्लैट वाले में बहुत कम करता हूँ मैं, तो वही सेट करा हुआ है। तो 1080p 60fps में रिकॉर्ड हो रही है वीडियो, ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है इनबिल्ट माइक से भाई। आई होप इस वीडियो का एंड तक ना आपको भाई पूरा मतलब एक तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा GoPro Hero 9 का कि कैसी परफॉर्मेंस है, कैसा इसका आउटपुट है, मतलब ऑडियो आउटपुट वगैरह कैसा है, तो ये सारी चीज़ आपको क्लियर हो जाएंगी आई होप। अगर स्टिल इसके बाद भी नहीं होती तो भाई आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो,
वरना इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, उससे बेस्ट वही रहता है, वहाँ पे रिप्लाई वगैरह मैं कर देता हूँ और किसी का। तो यार भाई कुछ ऐसी क्वालिटी आप देख सकते हो, थोड़ा सा इमेज जो है जूम आ रही होगी, इतना वाइड नहीं आ रहा होगा मुझे पता है, इतना सुपर व्यू में आता ही मतलब है सुपर व्यू ही ठीक है, बट सुपर व्यू में हाइपर स्मूथ जब ऑन कर देते हैं थोड़ा सा जो है वीडियो को क्रॉप कर देता है स्टेबलाइजेशन के लिए। तो ये कुछ फ़र्क आ जाता है दोस्तों, देख सकते हो आप। अगर आपको सही लग रहा है ये वाला एंगल तो आप इसमें रिकॉर्ड करो, ज़्यादा बेटर है आपके लिए, वरना अगर आपको नहीं लग रहा है कि भाई ठीक क्रॉप व्रॉप है तो भाई सिंपल में भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, सुपर स्मूथ में काफ़ी अच्छी स्टेबिलिटी आती है, ऐसा कोई वो नहीं है कि मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। मैंने अभी जो एक प्रीवियस एक ब्लॉग ऑलरेडी मैंने बना दिया है, वो मैंने हाइपर स्मूथ ऑफ करके ही बनाया था। देखो भाई बताओ कैसी लगा आपको क्लिप। आई थिंक इस वीडियो का एंड करने का टाइम आ चुका है, मेरे एंड से यही था भाई इस वीडियो में, अगर कुछ ही मेरे से मिस आउट हो जाता भाई इसके लिए आई एम रियली सॉरी, मेरे हिसाब से मेरा बेस्ट था। सो या गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट से अच्छे से ब्लॉग में, टिल देन आपको क्या करना भाई, कीप सपोर्टिंग कीप लविंग स्टे ट्यून्ड टू GS ट्यूब। और हाँ ये वाली वीडियो दोस्तों को शेयर वेयर कर दो जो एक्शन कैमरा लेने की सोच रहे हैं, लेने वाले हैं ठीक है। और हीरो 9 का तो मैंने आपको अच्छे से कर ही दिया है, इसमें इसके रिलेटिवली कुछ हीरो रेट वगैरह भी ऐसा ही, हीरो रेट में ज़्यादा कुछ खास फीचर नहीं है, मतलब सेम सा ही है ऑलमोस्ट, तो इसमें फ्रंट स्क्रीन वगैरह मिल जाती है ऑलमोस्ट सेम ही है 8 और 9 ठीक है, क्वालिटी में भी ना डिफरेंस नहीं रहेगा आपको। सो या गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।